शिक्षा महानिदेशक ने आदेश जारी कर 8 जून से डिजिटल हाजिरी करने को कहा था, लेकिन कौशाम्बी जिले के डिजिटल हाजिरी का विरोध परिषदस्य प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने किया है। शिक्षकों ने पहले जैसे रजिस्टर में ही अपनी उपस्थिति दर्ज की है। डिजिटल हाजिरी का विरोध करने वाले शिक्षकों ने बात कर अपना अपना तर्क भी रखा है। सर, इसका हम विरोध करेंगे कि मान लीजिए हमको आने जाने में असुविधा होगी, बाकी हम 300 दिन भाई अटेंडेंस ऑनलाइन है, कभी नेटवर्क हमारा रहता है, कभी नहीं पकड़ता है, इससे भी हम अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम लोग अपनी उपस्थिति जैसे देते आए हैं उसी प्रकार से देंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमारे सभी साथी बंधु हमारे साथ हैं। सर, ये एक तरह से बहुत ही बिना सोचे गंभीरता से ना देखा जाए अगर, तो इस निर्णय से बहुत सारे शिक्षक साथियों का हित प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वैसे हम लोग इतना तनाव लेकर के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर से निकल रहे हैं, और एक हमारा तो स्कूल रोड का है तो हम तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जिन साथियों का स्कूल बहुत अंदर है और साधन की समस्या है, वो इतने तनाव में अगर निकले। सर, मैं सहायक अध्यापिका दीक्षिका पूरा से। सर, ऑनलाइन उपस्थिति से हम लोगों को कोई समस्या ये नहीं है कि ऑनलाइन आप उपस्थिति ले, मगर उसमें आने वाली जो दिक्कतें हैं, जैसे हम लोग कई 40-45-50 किलोमीटर से आते हैं विद्यालय आते हैं, कभी कभी रास्ते में क्या होता है, मौसम खराब है, पेड़ गिर गया, रास्ता बहुत ख़राब है, गड्ढे खड्ढे वाले रास्ते होते हैं, उसमें गाड़ी कभी पंचर हो जा रही है, तो वो सारी दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि फिर उस कितनी भी कोशिश कर लीजिए मगर 5-10 मिनट कभी ना कभी हो ही जाता है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग समय से ही आए, मगर घर छोड़ना है तो हम लोग कितने बजे घर छोड़ेंगे, फिर ये भी एक समस्या, हमें भी तो अपने घर को भी देखना है, और फिर यहाँ